गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लेकर आए हैं वाक्य के कुछ और भेद। पिछले कुछ मॉड्यूल में हम वाक्य का और उनके विभिन्न भेदों का अध्ययन करते आ रहे हैं। हमने आपको अर्थ से संबंधित हमने बताया था कि जो भेद हैं वाक्य के, अर्थ के आधार पर उन्हें 8 भेदों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमने आपको विधानवाचक निषेधवाचक वाक्य से परिचित कराया, जिसमें क्रिया का साधारण रूप या नकारात्मक रूप हमने देखा। फिर उसके बाद हमने प्रश्नवाचक और साथ में आज्ञावाचक, अभी हमने बात किया अलग अलग प्रकार के। आज जो हम करने जा रहे हैं भेद, वो भेद हैं संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो वाक्य के ये जो रूप हैं संदेह और संकेत, ये थोड़ा सा आपको समझना है। इनमें कई बार हम दोनों के नाम में समानता सी महसूस करके कई बार हम उसमें त्रुटि या गलतियाँ कर देते हैं। तो संदेह और संकेत में अंतर है दोनों वाक्यों में। संदेह का मतलब होता है शक या संभावना, जिसमें किसी चीज़ के होने का निश्चित, यानी कि आप श्योरली नहीं कह सकते हो कि वो चीज़ है। तो ऐसे वाले वाक्य जहाँ पर आपको ये लगे, जैसे कि जिन वाक्यों में संदेह या शक की या संभावना का भाव हो, यानी कि ऐसा वाक्य जहाँ पर किसी भी क्रिया के होने की आपको एश्योरेंस नहीं है, यानी कि निश्चय रूप से आप नहीं जानते हो निश्चित रूप से कि वो क्रिया होगी, या उसमें आपको कहीं ना कहीं संदेह होता है, तो संदेहवाचक वाक्य वही होते हैं जहाँ पर क्रिया या काम के होने का संदेह, शक हो या कि संभावना हो कि शायद हो सकता है। जैसे शायद वो काम पूरा कर ले, शायद वो घर आए, शायद उसने अपना काम कर लिया होगा, शायद वो चला गया होगा, हो सकता है कि ऐसा हो। तो हो सकता है, शायद, ये सारी बातें संभावना को दर्शाती हैं और किसको, संदेह को, मतलब कहीं ना कहीं किसी संदेह को दर्शाती हैं। तो ये होते हैं संदेहवाचक वाक्य। अब बात करते हैं संकेतवाचक। संकेत मतलब हिंट देना, किसी चीज़ का एक निशान देना, एक चिन्ह देना कि आप मुझे बताते तो मैं ऐसा करता। तो संकेत का मतलब होता है संकेतवाचक वाक्य कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर कर रही है। कैसे कि तुम अगर आते तो मैं तुम्हारे साथ चलती, अब मैं कैसे जाऊँ अकेली, अगर तुम आते तो मैं तुम्हारे साथ चलती, तो तुम आते तो मैं चलती, तो तुम्हारा आना और मेरा चलना, ये दोनों क्रियाएं कब जुड़ती, तो के द्वारा जुड़ी हैं। एक बार मेरा चलना कब होता, जब तुम आते। तो यहाँ पर दो वाक्य, एक वाक्य दूसरे से कनेक्टेड है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, आश्रित है, तो यहाँ पर यह संकेतवाचक होता है। यदि तुम जल्दी गए होते तो गाड़ी नहीं छूटती, है ना। यदि तुमने काम पूरा कर लिया होता डांट नहीं पड़ती, यदि बारिश हो रही होती तो हम घर नहीं पहुंच पाते, या बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी हो जाती। तो वाला कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ये संकेतवाचक होता है, जैसे जिसमें एक वाक्य एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया, एक क्रिया पर दूसरी क्रिया डिपेंड करती है, आश्रित करती है। तो ऐसे वाक्यों में क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक। और वाक्य इस प्रकार जाता है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, यानी कि एक स्थिति दूसरे से कनेक्टेड होती है, निर्भर होती है, संकेत के उसके संकेत एक क्रिया का दूसरे पर निर्भर होना दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि संदेहवाचक वाक्य जिसमें क्रिया के होने की संभावना हो, अश्योरेंस यानी कि निश्चित रूप से आप नहीं जानते कि वो क्रिया होगी कि नहीं, तो संदेह की भावना है, इसलिए संदेहवाचक। संकेतवाचक जिसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर करती है और संकेत होता है कि यदि ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था या होता या हुआ, तो वो होता है संकेतवाचक। तो ये दोनों की परिभाषा को उदाहरण से कॉपी में लिख लीजिए। अंतिम दो जो रह गए हैं वो आपके विस्मय और आज्ञा वाले वाचक, वो दोनों हम आपको अगले मॉड्यूल में कराएंगे। और आप इन सारे नामों को, उदाहरणों को लिपिबद्ध कीजिए, समझिए, अध्ययन कीजिए और अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए। टेक केयर, बाय।